हेलो दोस्तों स्वागत है आपका श्री गुरु अकेडमी में मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूँ दोस्तों आज का टॉपिक तो आज देख ही रहे होंगे कितना इम्पोर्टेंट है आगमन विधि निगमन विधि व्याख्यान विधि खेल विधि प्रदर्शन विधि प्रश्नोत्तर विधि शैक्षिक पर्यटन विधि और विश्लेषण विधि दोस्तों इतने सारे टॉपिक आज कवर होने वाले हैं और यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है दोस्तों आप सभी लोग भली बात इस चीज़ को समझते हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ये मैं आपसे नहीं कहूँगा लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखिए और यहाँ से एक भी प्रश्न अगर आता है आएगा दोस्तों हंड्रेड आएगा और यहाँ से जो भी प्रश्न आएगा उसमें से अगर आपका गलत हुआ ना दोस्तों तो समझ लेना ये आपका भाई कह रहा है ये समझ लिया आपका भाई कह रहा है सर मत समझिए ये आपका भाई कह रहा है इस चीज़ के लिए कि आप प्लीज सब्सक्राइब करिए या मत करिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से लेकिन आपको वीडियो पूरी देखनी है जिससे आपका एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन कभी भी गलत ना हो ठीक है दोस्तों तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कॉपी पेन जरूर ले लीजिए और दिमाग में सारी चीज़ों को एकदम से सेट करते हुए चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज यहां पर व्याख्यान विधि की किसकी दोस्तों व्याख्यान विधि की दोस्तों यहां पर बात करते हैं हम दोस्तों ठीक है तो सबसे पहले यह सबसे प्राचीन विधि है क्वेश्चन यहीं से आता है दोस्तों कि शिक्षण की, की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है तो आप कहोगे व्याख्यान विधि है कौन सी व्याख्यान विधि है दोस्तों इसमें अध्यापक बोलता है तथा बच्चे केवल सुनते हैं तथा लिखते भी जाते हैं सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि यही है और इससे समय की बचत होती है और यह विधि शिक्षक केंद्रित होती है अब देखिए दोस्तों यहाँ से कितने सारे क्वेश्चंस कवर होते हैं पहला क्वेश्चन यह है कि व्याख्यान विधि व्याख्यान विधि क्वेश्चन इस टाइप से आएगा सबसे प्राचीन विधि कौन सी है सबसे प्राचीन शिक्षण विधि कौन सी है तो आप कहोगे व्याख्यान विधि ठीक है एक क्वेश्चन आपका इस टाइप से आएगा कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें अध्यापक बोलता जाता है और बच्चा केवल उसे सुनता है और लिखता है तब भी आपका कहोगे व्याख्यान विधि तीसरा क्वेश्चन ये आता है यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सामाजिक अध्ययन विषय पढ़ाने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है तब भी आप कहोगे व्याख्यान विधि और दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है क्वेश्चन क्या बनता है कि यह जो विधि है व्याख्यान विधि वो शिक्षक केंद्रित है बाल केंद्रित है अभिभावक केंद्रित है या फिर उपरुक्त सभी तो आप क्या कहोगे कि व्याख्यान विधि शिक्षक केंद्रित है दोस्तों क्योंकि इसमें शिक्षक ही सर्वे सर्वा होता है सारे काम शिक्षक करता है शिक्षक बोलता है विद्यार्थी केवल निष्क्रिय होकर सुनते हैं और लिखते हैं ना कोई क्वेश्चन करेंगे ना कुछ करेंगे अगर कोई डाउट है वो भी क्लियर नहीं हो पाता तो इसको आप ध्यान रखिए दोस्तों ठीक है अब चलते हैं हम नेक्स्ट विधि पर हमारी दोस्तों नेक्स्ट विधि आती है प्रदर्शन विधि कौन सी दोस्तों प्रदर्शन विधि इसमें क्या होता है कि यह विधि देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित होती है प्रदर्शन का मतलब होता है दोस्तों दर्शाना एक दूसरे को दिखाना किसी चीज को तो अगर दिखाओगे तो उसमें क्या होगा देखेंगे उस चीज को सुनेंगे और क्या करेंगे उसको समझ के अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं और इसमें करके सीखना होता है यानी कि चीज़ों को देखना होता है समझना होता है फिर अपने आप से उसे करना भी होता है ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए और प्रदर्शन विधि मित विधि है मित का मतलब होता है दोस्तों कि कम खर्चीली, खर्चा इसमें बहुत ही कम होता है इसमें शिक्षक छात्रों के सामने कुछ प्रयोग करके दिखाता है परंतु बच्चों को मौका नहीं मिलता दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि प्रदर्शन विधि से क्वेश्चन देखिए किस टाइप से बनेंगे पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर कौन सी विधि आधारित है तो आप कहोगे प्रदर्शन विधि आधारित है दूसरी विधि ये आती है कि मितव्यय यानी कि कम खर्चीली विधि निम्न में से कौन सी है आपको दे देगा व्याख्यान विधि है भ्रमण विधि है और खेल विधि है या फिर प्रदर्शन विधि है तो आप टिक किस पे करोगे प्रदर्शन विधि पर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि प्रदर्शन विधि शिक्षक केंद्रित है बाल केंद्रित है अभिभावक केंद्रित है या फिर समाज केंद्रित है तो आप कहोगे शिक्षक केंद्रित है इसमें भी बच्चे निष्क्रिय होते हैं इसमें क्या होता है दोस्तों शिक्षक कोई प्रयोग करेगा शिक्षक क्या करता है प्रयोग करता है लेकिन बच्चों को मौका नहीं मिलता बच्चे केवल और केवल उस प्रयोग को देखेंगे कि शिक्षक किस तरीके से कर रहा है ठीक है दोस्तों आप इसको ध्यान रखेंगे अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर सॉरी नेक्स्ट हमारी विधि पर दोस्तों आज का सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आप ध्यान रखें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप बिल्कुल भी मिस ना करें इसके लिए एक मिनट भी आपने मिस कर दिया ना तो आप खुद कहोगे कि सर ये मैंने क्या कर दिया अब नेक्स्ट हमारा आता है खेल विधि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि खेल विधि के जनक कौन है तो आप कहोगे फ्रोवेल कौन है दोस्तों फ्रोवेल है और खेल विधि के समर्थक की अगर बात की जाए तो सर हेनरी कोल्डवेल कुक जीन प्याजे मारिया मॉन्टेसरी ये इनके समर्थक थे दोस्तों और यहाँ पर मैं आपके लिए बता देता हूँ कि खेल विधि के अगर जनक की बात होगी तो आप लगाओगे फ्रोवेल क्या लगाओगे दोस्तों फ्रोवेल लगाओगे और खेल प्रणाली अगर आ जाएगी तो आप सर हेनरी कोल्डवेल कुक को आंसर करोगे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर ठीक है अब यहां पर ये दो क्वेश्चन याद रखिए और यहां पर ये क्वेश्चन ये याद रखना है कि सर हेनरी कोल्ड वेल कुक ये कौन थे तो ये फ्रोवेल के शिष्य थे ध्यान रखें कुक जो थे वो फ्रोवेल के शिष्य थे एक क्वेश्चन यहां पर ये आता है कि फ्रोवेल ने किस खेल पर अधिक ध्यान केंद्रित किया था तो आप कहोगे गेंद के खेल पर गेंद के खेल पर सबसे अधिक बल दिया था और जो खेल विधि है वो बाल केंद्रित विधि है अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए किस टाइप से बनेंगे खेल विधि का जनक कौन है आप कहोगे फ्रोवेल समर्थक कौन है तो कुक जीन प्याजे और मारिया मोंटेसरी जिन्होंने मॉन्टेसरी पढ़ा ली ठीक है और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एक क्वेश्चन ये बनेगा कि फ्रोबेल ने किस खेल पर अधिक बल दिया तो आप कहोगे गेंद के खेल पर अगला क्वेश्चन ये बनेगा कि खेल विधि किस प्रकार की विधि है तो आप कहोगे बाल केंद्रित विधि है देखिए दोस्तों कितने सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर होते हैं अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट विधि पर नेक्स्ट विधि है हमारी प्रश्नोत्तर विधि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसको ध्यान से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो सुकरात के अनुसार बालक में समस्त ज्ञान अंतर्निहित तो होता है अध्यापक को केवल उसे बाहर निकालना होता है यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए उचित नहीं है अब दोस्तों इसमें क्या है इसमें पहला क्वेश्चन आपका बनेगा कि प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है जो आपका क्वेश्चन कई मरतबा क्वेश्चन आ चुका है ठीक है कई बार मरतबा दोस्तों कई बार होता है ठीक है मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ कभी कभी तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि सुकरात ने यह कथन किसने कहा था आप कहोगे ये कथन किसने कहा था कि बच्चे में यानी कि बालक में समस्त ज्ञान अंतर्निहित होता है अध्यापक को केवल उसे बाहर निकालना होता है यानी कि बच्चा इंटेलिजेंट होता है पहले से ही लेकिन क्या करना होता है अध्यापक उसका जो इंटेलिजेंसी होती है बुद्धि होती है उसका प्रयोग करके उसे सक्सेस बनाने का काम शिक्षक का होता है ये किसने कहा सुकरात ने कहा यह आप परिभाषा इसको बहुत ध्यान रखेंगे ठीक है और अगला क्वेश्चन ये आता है कि यह विधि किस टाइप की है तो आप कहोगे बाल केंद्रित विधि है और एक क्वेश्चन ये बनेगा कि निम्न में से कौन सी विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त तो नहीं है तो आप कहोगे प्रश्नोत्तर विधि उपयुक्त तो नहीं है क्योंकि छोटे बच्चे प्रश्नों को ज्यादा समझ नहीं पाते हैं इसलिए ठीक है अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर हमारा नेक्स्ट है दोस्तों शैक्षिक पर्यटन विधि कौन सी दोस्तों शैक्षिक पर्यटन विधि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ज़्यादा तो नहीं आती है फिर भी आप इसको ध्यान रखेंगे इसके जो जनक हैं वो हैं प्रोफेसर रेन कौन है प्रोफेसर रेन अब हम बात करते हैं कि जो शैक्षिक पर्यटन विधि होती है वो आनंद प्रद शिक्षण विधि है धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है लेकिन महंगी विधि है दोस्तों बहुत कॉस्टली है बाल केंद्रित तो है लेकिन कॉस्टली विधि है क्वेश्चन यहाँ से इस टाइप से बनेगा कि शैक्षिक पर्यटन विधि के जनक कौन है तो आप कहोगे प्रोफेसर रेन कौन दोस्तों प्रोफेसर रेन है शैक्षिक पर्यटन विधि के जनक अगला क्वेश्चन ये बनता है कि धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण विधि सबसे ज्यादा उपयुक्त है तो आप कहोगे शैक्षिक पर्यटन विधि और ये बहुत ही ज्यादा आनंददायक होती है कहने का तात्पर्य है बहुत ही मजा आता है आपने खुद देखा होगा कि आपका टूर जाता है टूर जाता है दोस्तों टूर भी आपका क्या है शैक्षिक पर्यटन विधि का ही काम करता है क्योंकि उसमें जब हम टूर पे जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का भ्रमण करते हैं बहुत सारी चीज़ें देखते हैं वहाँ पर सीखते हैं उन चीज़ों के लिए तो बहुत ही आनंद आता है लेकिन आप जानते हो आपका टूर जाता है तो आपसे बहुत सारे रुपए लिए जाते हैं इसीलिए क्या है महंगी विधि है दोस्तों ठीक है लेकिन बाल केंद्रित है क्योंकि सारे काम कौन करता है बच्चे करता है बच्चा ही सारी चीजें सीखने की कोशिश करता है नेक्स्ट हमारा आता है विश्लेषण विधि यह बहुत इंपॉर्टेंट है इस विधि का अर्थ है कि, कि किसी पूर्ण समस्याओं को लेकर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके अध्ययन करना अब यह है क्या दोस्तों इसको थोड़ा सा समझ लेंगे इसमें है कि अगर हमारे सामने कोई समस्या है अगर मान लीजिए हमें एग्जाम के लिए किताब पढ़ना है कौन सी किताब पढ़ना है सपोज दैट हमें पर्यावरण की किताब पढ़ना है ठीक है तो किताब को हम एक बार में तो नहीं पढ़ सकते तो उसे क्या करेंगे हम पर डे का एक मतलब टॉपिक डिस्कस कर लेंगे मान लीजिए हमें पर डे दो टॉपिक डिस्कस करने हैं ठीक है थीके? तो इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में यानी कहने का मतलब यह है पूरी किताब को एक साथ ना पढ़कर कुछ चैप्टर्स को धीरे धीरे पढ़ा जाए यही आपका विश्लेषण विधि में कहा जाता है कि समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में करके अध्ययन करना ठीक है यह विधि पूर्ण से अंश की ओर तथा ज्ञात से अज्ञात की ओर सिद्धांत पर आधारित है ये सिद्धांत में भी मैं आपको कराऊंगा बाद में ठीक है आप टेंशन ना लें उस चीज का पूर्ण से अंश की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर ये चीज मैं आपको बताऊंगा पूर्ण से अंश की ओर क्या है कि यदि मान लीजिए एक पेड़ है ठीक है क्या है दोस्तों पेड़ है एक बच्चे से पूछा जाए कि बेटा ये क्या है तो वो क्या कहेगा कि पेड़ है क्या है दोस्तों पेड़ है लेकिन उसे उससे अलग से पूछोगे ये क्या है तो पत्ती को नहीं बताएगा वो पहले पेड़ को बताएगा पहले पेड़ जानेगा पत्ती को बाद में जानेगा जड़ को बाद में जानेगा तना को बाद में जानेगा ठीक है तो इसीलिए पहले पूर्ण को जानता है उसके बाद अंश यानी कि उसके टुकड़ों को जानता है ठीक है ज्ञात से अज्ञात की ओर भी यही है दोस्तों कि उसको मान लीजिए एग्जाम्पल हम लेते हैं एक पेड़ का ही ले लेते हैं ठीक है ज्ञात से अज्ञात की ओर का एग्जाम्पल एक पेड़ लेते हैं कि बच्चा जो है ये तो जानता है कि ये पेड़ है धीरे धीरे ये भी समझ जाएगा कि इसके आ, ये पत्तियां हैं ये जड़ है ये तना है लेकिन उसको ये तो नहीं पता है कि इसके कार्य क्या हैं तो ये पहले चीज क्या करेगा पहले उसको जो ज्ञात है जो चीजें जानता है उसके बारे में नॉलेज लेगा और धीरे धीरे जो नहीं जानता है उसके बारे में भी जानकारी ले लेगा ये चीज़ आप ध्यान रखिए ठीक है अब नेक्स्ट है यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों हम कि इस विधि से शिक्षार्थी में तर्क स्मरण शक्ति और निर्णय शक्ति का विकास होता है जब बच्चा विश्लेषण करेगा समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा उसमें तर्क का विकास होगा दोस्तों उसका माइंड डेवलपमेंट होगा ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे और इसको ये भी ध्यान रखेंगे ये विधि कैसी है तो बाल केंद्रित विधि है क्वेश्चन किस टाइप से आएगा क्वेश्चन ऐसे आएगा कि समस्याओं को मतलब समस्याओं को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर अध्ययन करना किस शिक्षण विधि के अंतर्गत आता है तो आप कहोगे विश्लेषण विधि के अंतर्गत ठीक है दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि विश्लेषण विधि किस सिद्धांत पर आधारित है पूर्ण से अंश की ओर अंश से पूर्ण की ओर अज्ञात से ज्ञात की ओर और, और इनमें से कोई नहीं तो आप कहोगे पूर्ण से अंश की ओर और।, और एक आपको यह है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर ठीक है इसको आप ध्यान रखेंगे ऐसी कौन सी विधि है जिसमें तर्क शक्ति स्मरण शक्ति और निर्णय शक्ति का विकास होता है तब भी आप कहोगे विश्लेषण विधि ठीक है दोस्तों आप देख रहे हैं एक एक जो हमारा सिद्धांत है उससे कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं आप ये इसको बिल्कुल भी मिस मत करिए दोस्तों कभी भी मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा मुझे पता है आप अपने आप से कर लेंगे कहने की जरूरत ही नहीं है ठीक है मुझे बस आपका सिलेक्शन चाहिए और कुछ नहीं दोस्तों ठीक है अब दा, दोस्तों आता है एक इंपोर्टेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट बोलना चाहूंगा इसलिए मैं मोस्ट इंपोर्टेंट बोलूंगा ठीक है इसमें क्या है आगमन विधि निगमन विधि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है इसके जनक बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों इसके जनक कौन है तो आप कहोगे अरस्तु आगमन विधि के भी अरस्तु हैं और निगमन विधि के भी अरस्तु हैं आप ध्यान रखिए ठीक है इसमें उदाहरण देकर उससे संबंधित नियम बनाए जाते हैं इसमें क्या होता है कि हमें क्या करना है बच्चे को सिखाने के लिए पहले उसे एग्जाम्पल देते हैं पहले उसे क्या करेंगे एग्जाम्पल देंगे उसके बाद हम उसे नियम बताएंगे ठीक है जैसे अब हमें पढ़ाना है बच्चे को गुरुत्वाकर्षण के बारे में तो पहले हम उसे एग्जाम्पल करके दिखा देंगे या फिर बता देंगे कि बेटा यहां पर चलो जरा सा तो वो चलेगा हम उससे कहेंगे तुम यहां पर क्यों चल पा रहे हो बेटा इसका रीजन यही है कि यहां पर गुरुत्वाकर्षण है फिर हम उसको नियम बताएंगे दोस्तों तो उसके माइंड में चीजें सेट होने लगेंगी यही आपका आगमन विधि कहलाता है ठीक है दोस्तों अब यहां पर बात करेंगे कि इसमें तीन चरण होते हैं आगमन विधि में तीन चरण होते हैं वो चरण कौन कौन से होते हैं उनको आप ध्यान रखिए पहले हम अवलोकन करते हैं फिर नियम बनाते हैं और उसके बाद में उसकी जांच भी करते हैं दोस्तों यहाँ पे हम ये तो ध्यान रखते हैं कि अवलोकन करते हैं नियम बनाते हैं लेकिन जाँच का ध्यान नहीं रखते दोस्तों लेकिन इसमें जाँच भी करते हैं ठीक है यह विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर उदाहरण से नियम की ओर विशिष्ट से सामान्य की ओर मूर्त से अमूर्त की ओर के सिद्धांत पर कार्य करती है विज्ञान गणित व्याकरण विषय पढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी विधि है और यह भी यह विधि बड़ों के लिए अच्छी नहीं है छोटे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है अब यहां से क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा दोस्तों वो आप यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन क्वेश्चन आपका बनेगा कि आगमन विधि के जनक कौन है तो आप कहोगे कौन है दोस्तों अरस्तु है ठीक है दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से ये बनेगा कि ऐसा कौन सा शिक्षण विधि है जिसमें पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है और उसके बाद में नियम बताए जाते हैं तब भी आप कहोगे कौन सी विधि आगमन विधि ठीक है अगला क्वेश्चन ये आता है कि आगमन विधि के तीन चरण बताइए तो आप कहोगे पहला होता है अवलोकन फिर होता है नियम और उसके बाद में हम जांच करते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन यह बनेगा दोस्तों कि आगमन विधि किस सूत्र पर आधारित है तो आप इसको ध्यान रखेंगे ज्ञात से अज्ञात की ओर भी है इसमें उदाहरण से नियम की ओर भी है विशिष्ट से सामान्य की ओर भी है और मूर्त से अमूर्त की ओर भी है इन सभी सिद्धांतों पर यह विधि कार्य करती है ये आप ध्यान रखिए और एक क्वेश्चन ये आता है कि विज्ञान विषय पढ़ाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है तो आप कहोगे आगमन विधि गणित विषय पढ़ाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है तो आप कहोगे आगमन विधि और व्याकरण विधि पढ़ाने के लिए भी आगमन विधि बहुत उपयोगी है और एक क्वेश्चन यह आता है दोस्तों छोटे बच्चों के लिए कौन सी विधि उपयोगी है तो आप कहोगे आगमन विधि आप देख सकते हैं दोस्तों कम से कम दस क्वेश्चन यहां से बन गए इसी विधि से दस क्वेश्चन दोस्तों बन गए आप इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करिए दोस्तों ठीक है अब अगला दोस्तों हमारा आता है यहां पर निगमन विधि दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन आप टेंशन मत लीजिए आपका टॉपिक बहुत जबरदस्त है यहां से क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं इसीलिए मैं इसको ज्यादा से ज़्यादा डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं ठीक है दोस्तों अब दोस्तों इसकी अगर हम बात करते हैं निगमन विधि की तो आगमन विधि की अगर हम बात करें तो आगमन विधि में मैंने क्या बताया था आपको कि पहले तो एग्जाम्पल दिया जाता है उसके बाद में नियम दिया जाता है लेकिन जो निगमन विधि है उसमें पहले नियम बताया जाता है और उसके बाद में एग्जाम्पल दिया जाता है इसको आप ध्यान रखिए सेम वही है लेकिन इसमें उल्टा हो जाता है पहले नियम दिया जाएगा और बाद में एग्जाम्पल दिया जाएगा ठीक है अब दोस्तों इसमें भी तीन चरण हैं आपका क्वेश्चन उससे भी आएगा आगमन विधि से और इससे भी आएगा आगमन विधि के भी तीन चरण हैं निगमन विधि के भी तीन चरण हैं निगमन विधि के कौन से हैं तो प्रयोग फिर निष्कर्ष और उसके बाद में सत्यापन करेंगे ठीक है ध्यान रखेंगे अगला है दोस्तों कि यह विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर नियम से उदाहरण की ओर सामान्य से विशिष्ट की ओर और, और अमूर्त से मूर्त की ओर शिक्षण विधियों पर आधारित है ठीक है बड़ों के लिए अच्छी है दोस्तों आ आगमन विधि मैंने आपको पढ़ाया था तो आगमन विधि में बताया था कि वो बड़ों के लिए अच्छी नहीं थी छोटे बच्चों के लिए अच्छी थी लेकिन निगमन विधि बड़े के लिए अच्छी है यानी कि जो बड़े लोग हैं जिनकी एज हो जाती है थोड़ी बड़ी हो जाती है अठारह बीस साल तो उनके लिए बहुत अच्छी विधि है ये वाली निगमन विधि ठीक है क्योंकि वो नियम को अच्छे से समझ सकते हैं और उदाहरण तो अपने आप से बना ही सकते हैं दोस्तों ठीक है जैसे आपने देखा होगा अगर हम इंग्लिश पढ़ते हैं दोस्तों इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में आपने देखा होगा पहले हम नियम लिखवाते हैं ना फॉर्मूला लिखवाते हैं और उसके बाद में ही एग्जाम्पल बताते हैं ना दोस्तों क्या छोटा बच्चा उसको समझ सकता है तो आप कहोगे नहीं समझ सकता ठीक है अब दोस्तों बात आती है कि समय की बचत होती है इससे निगमन विधि में जब हम पहले ही एग्जाम्पल नहीं कराएंगे उसको पहले नियम करा देंगे तो वह एग्जाम्पल को ऑटोमेटिक करना सीख जाएगा और समय की बचत होगी स्मरण शक्ति को बहुत बढ़ाती है ये परंतु रटने पर बल देती है यही इसमें कमी है नियम निगमन विधि में क्या होता है दोस्तों पहले नियम बताया जाएगा फिर नियम को क्या होगा रटवाया जाएगा दोस्तों बच्चे से कहा जाएगा बेटा रट ले इसको तू बहुत अच्छे से रट लियो भूलना नहीं है बिल्कुल भी ठीक है तो क्या होगा रटंत तो विद्या पर बल देता है स्मरण शक्ति तो बढ़ जाती है लेकिन रटंत तो विद्या पर बल देता है ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे आप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का आप खुद देख सकते हैं यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं कम से कम दोस्तों यहाँ से पचास क्वेश्चन बनने चाहिए कितने दोस्तों पचास क्वेश्चन इस वीडियो से बनने चाहिए आप एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं भूलेंगे इस चीज़ का प्रॉमिस करना पड़ेगा आपको ठीक है मुझे आपका सब्सक्राइब नहीं चाहिए सब्सक्राइब आप करना अगर आपका दिल हो तो ठीक है मन हो कि आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए दोस्तों ठीक है कमेंट करके भी बताइए लेकिन मुझे चाहिए आपका सलेक्शन और आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों ठीक है और आपको फ्री बुक्स नोट्स पीडीएफ वगैरह कुछ भी चाहिए तो आप आ जाइए दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और आप उसको ज्वाइन कर लीजिए वहाँ से आपको फ्री बुक्स नोट्स और पी मिल जाएंगे और नौ बजे रात्रि नौ बजे वहाँ पर क्लास होती है दोस्तों टेस्ट होता है पर डे जहाँ पर आपके कई सारे शिक्षकों के द्वारा टेस्ट कराया जाता है टॉपिक वाइज तो आप उसको वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा और आगे की जो और विधियाँ हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में रखूँगा क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो करना भी दोस्तों ठीक नहीं है आप थोड़ा सा बोर होने लगते हैं फिर तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही खुश रहिए मस्त रहिए और पढ़ते रहिए जय हिंद